दोस्तों, जो कमीशन पड़े है उसका नाम है नरक दंश। ये नरक नाशक नागराज की कमीशन है और ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नरक नाशक नागराज और दूसरा पार्ट है नरक नीति। तो पहले आप इन दोनों कॉमिक्स को पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वे दोनों कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। नरक नाशक नागराज का फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे ये जो स्टोरी दे रखी है, ये पहले दो पार्टों की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ और आगे से पढ़ता हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी। तू खुद ही मेरे जाल में फंस गया नागराज। मेरी यह नागमणि मेरी तंत्र ऊर्जा के लिए परिवर्धक का काम करती है। वह क्या कहते हैं इंसानी से, हाँ, एम्पलीफायर का। अभी एम्पलीफायर तेरे थैले में धसा हुआ है और तुझे कमजोर कर रहा है। इसके प्रभाव से तू अपने किसी नाक को मदद के लिए शरीर से बाहर भी नहीं निकाल सकता और ना ही अपने किसी अन्य नाक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब मैं अपनी बहुगुणित हुई तंत्र ऊर्जा से तुझे इतने नान से खत्म कर सकती हूँ। बस तुझे खत्म करने से पहले अफसोस यही रहेगा कि तू असली तक्षक नहीं निकला। नागमणि आइसलैंड नाउ। यह तक्षक वाला चक्र मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर फिलहाल इतना समझ आ रहा कि नगीना जो भी कह रही है वह करके दिखाने वाली है। इस नागमणि से निकलती तंत्र तरंगे मेरी धमनियों से होती हुई मेरे मस्तिष्क तक पहुंच रही है। इनका दबाव शीघ्र ही मेरे दिमाग की नसों को फाड़ देगा और मैं किसी भी तरह उसे ऐसा करने से रोक पाने में सक्षम नहीं हूँ। 1 मिनट, मैं अपने किसी नाक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो मुझसे बड़ी नाक शक्ति मौजूद है। काल दूत अभी तक मेरे वार से आंशिक पक्षाघात में, ऐसे में अगर उनके हथियार उधार ले लूं तो उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह क्या कर रहे हो? काल सभी से मेरा आदेश मानता है। अपने इसे आखिरी आदेश पर मुझ पर वार करने का ही दिया था, मैं वही करने में इसकी मदद कर रहा हूं। नगीना के मणि हाथ में लेना महंगा पड़ा, इस बार मैं यह आदेश नहीं लेने वाला। ये हथियार कालदूत के आदेशों पर चलते हैं और इस समय कालदूत इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आपका काल सभी मेरे हाथ अपने गिरफ्त में लेगा। खड़ाक, इसकी मजबूत जकड़ से इस हाथ का रक्त संचार और तंत्र ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो जाएगा। ओह, क्या दिमाग लगाया तूने! मैं तो कायल हो गई तेरी बुद्धि की, लेकिन नगीना के तरकस में तीर और भी हैं। अफसोस, तुम्हारे तीर थोड़े सुस्त हो गए। कालदूत के हाथ में थमा चीर चला, खच तुम्हें चीर देगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह काल त्रिशूल इस मणि को मेरे हाथ से अवश्य अलग कर देगा। खट, और इसके लिए मुझे नाग त्रिशूल अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कालदूत के हाथ को कंट्रोल करना होगा। कर दिया अलग, तुमने खुद ही मुझे तुम्हें हैरानी का मार्ग दिखा दिया है। काल सफेद सर पे तुमसे निपटा हुआ है। मेरे आदेश देते ही वह मुझे लग ही रहा था कि आपके दिमाग की बत्ती किसी भी क्षण चल सकती है। सरर अफ गुंग गुंग, क्षमा चाहता हूँ महात्मन, पर यह अवसर मैं आपको नहीं दे सकता। आप दोनों की पराजय के साथ लड़ाई का यह अध्याय तो खत्म हो गया, अब मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। बेशक, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बस आप तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने जो वार किया था, कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे वार ने वाकई हमें पंगु कर दिया था। जैसे तुम्हारा ध्यान हमसे हटा, हमारी योग कुंडलिनी ने तुम्हारे वार के असर को काट दिया। फिर आपने मुझ पर दोबारा वार क्यों नहीं किया? कालदूत को तो देवता भी परास्त नहीं कर सकते और पराजित होने वाली शख्सियत तुम भी नहीं। अगर हम फिर से लड़ते तो यह निरर्थक द्वंद यह निश्चित काल तक चलता रहता। हमारा मकसद केवल तुम्हें परखना था नागराज, और इस परीक्षण में तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वाकई तक्षक की उपाधि के योग्य हो। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा महात्मन। सब समझ आ जाएगा नागराज, समय आ गया कि तुम अपने अस्तित्व की खोज करो। सम प्लेस अननोन नाउ। तो नागराज ने उस 3 धड़ वाले इच्छाधारी नाग और उसके साथी नागिन को हरा दिया। हाँ, हमेशा की तरह जब लगा कि नागराज हार जाएगा, पता नहीं कैसे कमबख्त ने अपनी हार के मुंह पर जीत का तमाचा जड़ दिया। डोंट वरी माई सन, शांत रहो। नरक नाशक के वजूद पर शिकस्त की काली स्याही हामी पोतेंगे। क्या उस बूढ़े इच्छाधारी ने नागव्यूह के बारे में कुछ बताया?
नहीं, गोलमोल बात कर रहा है, पर इतना तो पक्का कि नगीना नागराज को कालदूत के पास नागव्यूह के लिए ही लाई है। उन दोनों ने नागराज के असली तक्षक होने की पुष्टि के लिए उससे युद्ध किया था। अच्छा किया कि तुमने खुद बीच में कूदने से पहले मुझे बुला लिया। तुम्हारे अभी बीच में कूदने से सारा खेल बिगड़ जाएगा। अभी सिर्फ पूरे तमाशे पर नजर रखो। नागराज के बारे में जितनी अच्छी तरह मैं जानता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं जानता। पर यह पापा दर्श कुछ ऐसा जानता है जो मैं भी नहीं जानता। क्या मतलब? पापा दक्ष का विषय अपराध जगत को इकट्ठा करना और नागराज को मारने के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना, वह भी ठीक उस समय जब नागराज अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज शुरू करने वाला है। यह साबित करता है कि पापा दक्ष नहीं चाहता कि नागराज कभी भी इस खोज को पूर्ण करे। इसके पीछे उसका मकसद क्या है यह तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि नागराज के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मुझे उस जिंदगी के कतरे कतरे का हिसाब वसूलना है और वह हिसाब है नागव्यू। एक बार नागराज नागव्यू का पता लगा ले, उसके बाद पापा दक्ष को मिलेगी नागराज की जान और तू मेरा असली वारिस, मेरा बेटा, मुझे मेरा अधिकार दिलाएगा। मेरा अधिकार यानी विश्व अपराध जगत पर प्रोफेसर नागमणि का एक छत्तर राज। बातें बहुत हो गई, अब काम पर ध्यान दिया जाए। तुम नागराज का आचरण नजर रखो और मैं नागराज की दास्तान बयान करके वापस लौटता हूँ। बेवकूफ इंसान, दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मुझसे छुपा हो, क्योंकि मैं पाप का खुदा हूँ। मेरे तेरे मन की काली कोठर में पाप के कुल बुलाते बीज मैं तुझसे पहले महसूस कर सकता हूँ। नागमणि, तू मुझे डबल क्रॉस करने की सोच रहा है, पर मेरे असल मकसद से तू और यहाँ मौजूद हर शख्स अनजान है। पापा दक्ष व सभी उपस्थित मित्रों से मैं माफी चाहता हूँ। अब अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। अपने कठोर पत्थरों से दिलों को थाम लीजिए, कहीं उन्हें छलनी न कर जाए भावनाओं, रिश्तों और विश्वासघात का यह नरक दंश। तो जैसा कि मैंने बताया मित्रों, वह तक्षशिला और नरक नाशक नागराज का पहला आमना सामना था। नागराज के लिए भी छदा ना किसी आम इंसान की तरह कल्पनाओं की दुनिया में बसने वाले प्राणी थे अब तक, पर अब उसकी दुनिया बदलने वाली थी, सोच बदलने वाली थी और वजूद बदलने वाला था। समझ नहीं आ रहा कि मैं हकीकत की दुनिया में हूं या किसी परी कथा में आ गया हूं। पहले सुरसा सर्प और अब यह आदि नागिन आदि इंसान जैसी लड़की। रक्षिका तक्षिका या जो भी तुम हो, मुझ पर क्यों क्यों मेहरबान हो रही हो? छोड़ो मुझे, तुम हो क्या भला? इस तंत्र मन की रक्षिका हूं मैं, नाम है मेरा तक्षिका। यह पूरा तंत्र वन तक्षिका के तंत्र का गुलाम है। निश्चित काल द्वीप पर बाहरी दुनिया के किसी भी प्राणी का प्रवेश वर्जित है, और अगर तुम्हारे जैसा कोई प्राणी भूले से यहाँ आ भी जाए तो इस काल वन से वह नहीं, उसकी मर्त आत्मा ही बाहर निकलती है। व्हाट द हेल, इसके इशारे पर कटीली बेले मुझे हवा में उठा रही है। उस नागिन की चमत्कारी शक्तियां उसे हैरान भी कर रही थी और परेशान भी। ऐसा अजूबा जिंदगी में पहली बार देख रहा था वह लड़का। वह कुछ पलों के लिए असमंजस में था। तंत्र और नाग शक्तियों का सामना करना तो उसे गुरु ने उसे सिखाई ही नहीं था। अफसोस, आज तक तंत्र मन में जान गंवाने वाला कोई भी प्राणी इतना आकर्षक नहीं था। तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकालने में दुख होगा मुझे, पर उससे गुरु ने उसे यह जरूर सिखाया था कि धैर्य और बुद्धि से बड़ा कोई बल कोई शक्ति नहीं होती। और यह तो हम सभी जानते हैं कि नागराज में यह दो चीजें कूट कूट कर भरी हुई है। यह कटीली बेले से इशारे पर चलती है। अगर यह इन्हें कमांड देने की हालत में न रहे तो बात बन सकती है, पर ऐसा होगा कैसा? आम प्राणी तो मेरे खून में मौजूद विष से गल जाते हैं, लेकिन इन तंत्र बेलों पर इसका असर नहीं पड़ रहा। अद्भुत, तेरे भीतर नाग शक्तियों को मैंने महसूस तो किया था, पर यह अंदाजा हरगिज नहीं था कि तेरा शरीर अनगिनत नागों का घर है। शायद ये नाग वितरण समय आया देखकर तुझे छोड़े जा रहे हैं। अगर नागराज के लिए तक्षिका की शक्ति अनजान थी तो तक्षिका भी उस जल जिले से अनभिज्ञ थी जिसे नागराज कहते हैं, और जल्द उसे पता चलने वाला था कि नागराज और उसके नाग वैसे भिन्न है जैसे सूर्य और उष्मा। वो यह क्या हुआ, यह वृक्ष कैसे उखड़ गया? मेरे जिन साथियों को तुम भाग गया समझ रही थी, वह दरअसल मेरे इस आदेश पर इस पेड़ की जड़ें खोद रहे थे जिससे तुम लिपटी हुई हो। कड़ कड़ कड़,
मैं तंत्र मंत्र के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर मुझे लगा था कि तुम्हारा ध्यान भंग होते ही ये बेलें निष्क्रिय हो जाएंगी। इन्हें दोबारा तुम्हें जकड़ने का आदेश देने में देर नहीं लगेगी मुझे। उसके इशारे पर बेलें फिर तेरी ओर बढ़ रही है। जल्दी कोई उपाय सोच राज बेटे। अचानक कुछ अप्रत्याशित कर डाला लड़के ने। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर फिलहाल तो दूसरा आइडिया आया नहीं तो सोचा इसे ट्राई करके देख लूं। सिर्फ नाग शक्तियों का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी धनी था वह। उसकी यही खूबी शायद उसे अपने दुश्मनों के बीच भी आदर भाव दिलाती है। तुम इन खूनी बेलों को मुझे जकड़ने का निर्देश दे चुकी हो। अब बिना तुम्हें अपनी चपेट में लिए इनका मुझे जकड़ पाना नामुमकिन है। या तो तुम्हें इन्हें रोकना होगा या फिर दोनों साथ जाएंगे। आह उफ, किसी कोबरा जैसा तेज और शैतानी दिमाग है तुम्हारा। अपने वार का स्वाद चखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उन्हीं बेलों को रोकना पड़ा तक्षिका को। ओह लेकिन तक्षिका का तंत्र तुझे एहसास दिला देगा कि तंत्र शक्ति के सामने दिमाग कितना तुच्छ है। यह तंत्र वार हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉकर जैसे हैं। बस फर्क इतना है कि यह शरीर के साथ साथ आत्मा पर भी आघात करते महसूस हो रहे हैं। मैंने आज तक ऐसे वारों का सामना कभी नहीं किया, और अगर इसके 2-3 बार और लग गए तो यह अवसर दोबारा कभी मिलेगा भी नहीं। यह अपना ध्यान केंद्रित करके वार करती है। अगर इसे ध्यान ही न केंद्रित करने दू तो शाबाश साथियों, इसे स्थिर मत होने दो। ओ तो तुम और तुम्हारे साथी मिलकर मुझ पर वार करें ताकि मैं अपना ध्यान एक जगह केंद्रित ना कर सकूं और तुम पर वार ना कर सकूं। लेकिन तुम्हें तक्षिका की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इस तंत्र मन का पत्ता पत्ता तक्षिका के आदेश पर चलता है। कैसा जादू है यह! इसके इशारे पर जंगल के सभी पेड़ पौधे झाड़ियां पत्ते आदि नागों में परिवर्तित हो गए। इस फुस, तो नागों से बात भी कर लेते हो तुम, लेकिन यह मेरा तंत्र जंगल है। ये नाग तुम्हारा नहीं मेरा आदेश मानते हैं। कोई भी युक्ति काम नहीं करी। इसके असंख्य नागों के जंगल और तंत्रवारों से एक साथ निपट पाना मुश्किल है। मेरे नाग साथी भी इस नाग जंगल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आसपास ऐसी कोई चीज भी नहीं दिख रही जिसका प्रयोग बचाव के लिए किया जा सके। छुपने के लिए जगह तलाश रहे हो। तक्षिका के तंत्र वन में इस धरती आसमान और झील के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें पनाह दे सके। धरती और आसमान का तो पता नहीं, पर इस झील से काम चलाया जा सकता है। इस जेल की और इसके तंत्र नागों का जंगल नहीं आएगा क्योंकि इनमें से कोई भी जलचर नाग नहीं है। तंत्र वार से मरने के बजाय पानी में डूबकर मरने का फैसला किया तुमने, या फिर तुम सोचते हो कि पानी में जाकर मेरे तंत्र वारों से बच जाओगे? छपाक, गलत सोचते हो तुम। मेरे तंत्र वारों से नहीं बच पाओगे। तुम्हारे पानी में जाते ही मैं अपने तंत्र वार से इस जेल की सतह ठोस कर दूंगी। इस बर्फ के सबसे पिघलने से पहले कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती, मेरी तंत्र किरणें भी नहीं। इसने तो वाकई झील की सतह जमा दी, और मेरा कोई भी वार इस जमी हुई सतह को तोड़ नहीं पा रहा। फेफड़ों में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। यह वह समय था जब नागराज के सूक्ष्म सर्पों पर लगाए मेरे नैनोनाइट रिसेप्टर्स चिप ने भी कुछ पलों के लिए सिग्नल भेजने बंद कर दिए थे। मेरा कलेजा दहल उठा था इस विचार से ही कि वह कालदीप मेरे कलेजे के टुकड़े का काल बनने वाला था। कहीं नजर नहीं आ रहा वह विचित्र योग शायद जेल की गहराइयों में डूब गया। ऐसे जीवित वाले बुद्धि और विलक्षण शक्ति के धनी नव योग की जान लेने का अफसोस रहेगा मुझे। भड़ाक, सॉरी, मुझे लड़कियों पर वार करना पसंद नहीं, खासकर उस पर तो बिल्कुल भी नहीं जो पीठ पीछे मेरी तारीफ कर रही हो। लेकिन तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। वेल दौड़ आया था जैसे काल के मुंह पर तमाचे जड़ने के लिए पैदा हुआ था वहां। तुम असंभव, कौन से तंत्र का इस्तेमाल किया तुमने? कोई भी तंत्र इस सत्य को नहीं तोड़ सकता था। मैंने जिस जिस तंत्र का प्रयोग किया उसे दिमाग कहते हैं। तुम्हारे तंत्र की बनाई सतह वाकई अभेद है, फिर तुम बाहर कैसे आए? झील वास्तव में नदी या समुद्र के पानी से ही बनती है। यह झील भी एक भूमिगत प्राकृतिक सुरंग के जरिए
द्वीप के बाहर समुद्र से जुड़ी हुई है। बस उसी सुरंग के रास्ते मैं समुद्री किनारे तक पहुंच गया और यहाँ वापस आ गया। बेवकूफ हो तुम, यहां से निकलने का मौका गंवाकर वापस मरने आ गए। तड़ तड़ाक, यह तड़ी तंत्र है। इसी चपेट में जो भी आता है वह तड़प तड़प कर मरने के बाद ही छुटता लड़के। वार्निंग के लिए थैंक्स, मैं ध्यान रखूंगा कि ये बार किसी भी हाल में मुझे छूने ना पाए। तड़। तड़ी तंत्र बिजली की गति से वार करता लड़के, कब तक बचोगे? कोई ना कोई वार तुम्हें अपना शिकार बना ही लेगा। वाकई कोई ना कोई तड़ी वार मुझे अपना शिकार बना लेगा, लेकिन वह शिकार मैं नहीं होऊंगा। तड़ तड़ कड़ाऊ, बल्कि तुम होगी। तड़। जब से नागरत्न इस कालदीप पर तीर सर्पी की सुरक्षा में रखा गया है, देव यक्ष गंधर्व रक्ष इच्छादायी नाग सभी समय समय पर उसे हासिल करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन तक्षिया के तंत्र वन को कोई पार नहीं कर सका। तुम यहां से आगे बढ़ने वाले पहले प्राणी हो। आगे तो मुझे बढ़ना ही था, पापा ने जो कह दिया वह तो राज करके ही रहेगा। 1 मिनट, नागराज के भीतर एक बहुत ही बुरी आदत हमेशा से थी, जिसके कारण वह कभी भी मेरा उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं हो सका। वह बुरी आदत थी दया भाव। तुम्हारा क्या होगा? तड़ी तंत्र शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसी जान न ले ले। मैं भी तंत्र के नियमों से बंधी हुई है, इससे मुक्ति अब मुझे मृत्यु के बाद ही मिलेगी। तिड़ तिड़ आह, तुम क्या कर रहे हो? इस ब्रह्मांड की हर शक्ति विज्ञान के सिद्धांतों पर ही कार्य करती है। उम्मीद है कि यह बात तंत्र शक्ति पर भी लागू होगी। अगर यह तंत्र तड़ित यानी करंट पर बेस्ड है, तो फिर इस पर अर्थिंग यानी तड़ी चालक का असर भी जरूर होगा। मेरे बेल्ट में लगा यह बैंड मेटल स्नेक अर्थिंग का काम करेगा, जिसे मैं लेदर बेल्ट की मदद से एक सिरे से इस तड़ी से कनेक्ट करूंगा और दूसरा सिरा धरती से। तिड़ 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 आश्चर्य, तड़ी तंत्र ऊर्जा वाकई धरती में समाहित हो गई। पर तुमने यह जानते हुए भी कि मैं आजाद होते फिर तुम्हें मारने का प्रयास करूंगी, मेरी प्राण रक्षा क्यों की? मैं कभी भी किसी निर्दोष की जान नहीं लेता। इस जगह की रक्षा का तुम्हारा दायित्व है और तुम सिर्फ उसका पालन कर रही हो। तुम मुझ पर फिर से वार करने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें बिना मारे हराने का कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं है, तुमने सिद्ध कर दिया कि योग कि तुम नागरत्न धारण करने योग्य हो। तुमने ना सिर्फ मुझे परास्त किया बल्कि मेरी प्राण रक्षा भी की है। अब तुम तक्षिका के तंत्र मन को पार करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उससे पूर्व तुम्हें मेरा एक अनुरोध स्वीकार करना होगा। कैसा अनुरोध? मेरे परास्त होते इस वन पर छाई मेरी तंत्र ऊर्जा नष्ट हो चुकी है। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है, मैं अपने रक्षक की सहयोगिनी बनना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अपने जिसम में वास करने वाले बेसुमार नागों में मुझे भी शुमार कर लो, पर यह कैसे संभव है? मैं मानव रूप त्याग कर नाग रूप में सदैव तुम्हारे शरीर में वास कर सकती हूँ और सदैव तुम्हारे आगे के पालन हेतु प्रतिज्ञाबद्ध रहूंगी। मेरी सभी शक्तियां अब से तुम्हारे आदेश के अधीन होंगी और तुम तक पहुंचने से पूर्व किसी भी खतरे को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। यह प्रथम अवसर था जब किसी इच्छाधारी नाग ने नागराज के शरीर को अपना निवास बनाया था। आने वाले समय में यह संख्या काफी बढ़ने वाली थी और इसकी वजह से मेरी मुश्किलें भी। अपराध के खिलाफ जंग में तुम्हारे जैसे जैसी साथी पाकर मेरा उत्साह और जुनून दुगना हो जाएगा। तक्षिका, धन्यवाद राज। लेकिन कालदीप का भी मात्र प्रथम पड़ाव पार किया था उसने, मुश्किलें भी और भी थी। वह तक्षिका के तंत्र वन क्षेत्र से निकला तो जा पहुंचा शीत क्षेत्र। तक्षिका के तंत्र वन को पार कर आज तक कोई प्राणी यहां तक नहीं पहुंचा। लड़के, तेरा यहाँ पहुंचना सिद्ध करता है कि तूने तक्षिका को परास्त कर दिया है। पर यह न समझ बैठना कि तिर सिर्फ की एक कड़ी परास्त हो गई तो सीतिका से भी जीत जाएगा। यदि प्राण प्रिय है तो वापस लौट जा। जंगल के खत्म होते ऐसा लग रहा है जैसे अलास्का पहुंच गया। कालदीप पर नागराज एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना कर रहा था, तो महानगर में मुझ पर भी मुसीबत का पाट टूटा था।
अपने जेनेटिक म्यूटेशन प्रोसेस में प्रयोग करने के लिए अपने विश्व भर से जो दुर्लभ नाग मंगाए थे उनका कंसाइनमेंट मेयर ने जब्त करवा लिया है। उसे शक हो चुका है प्रोफेसर कि आप इन दुर्लभ नागों का प्रयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। दोनों बाप बेटी ने जीना आराम कर रखा है। नरकनाशक यानी है ऐसा सुअवसर अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। खत्म कर दो दोनों को। कौन हो तुम लोग? मेरे हुक्म की तामील करने जब कुरैत और पेंचुली मेरे के घर पहुंचे उस वक्त नीति वहां अकेली थी। यमदूत समझ ले लड़की, तुझे और तेरे बाप को यमलोक पहुंचाने आए हैं। नरकनाशक मेरा दोस्त है, अगर उसे तू उसे तुम्हारी शिमाकत का पता चल गया तो तुम लोग यमलोक जाने लायक भी नहीं बचोगे। हा हा हा, बुला ले बुला ले, जितना मर्जी नरकनाशक को बुला ले। क्रैत और कैंचुल के सामने तेरा नरकनाशक नहीं आने वाला। दौड़ नरकनाशक, पुकार पुकार कर गला रूंध गया बेचारी का, पर नरकनाशक ना आया। आता भी कहां से? आपके इस जैन मित्र ने इतनी नायाब तरकीब जो निकाली थी एक तीर से दो शिकार करने की। कहा हो तुम नरकनाशक? क्रैत और कैंचुल के भीतर भी मैंने अपने नैनाइट रिसेप्टर्स फिट किए थे जिनकी मदद से मैं हर पल का भरपूर लुत्फ उठा रहा था। मेरे जल्लाद किसी भी पल एक निरसायल चिड़िया जैसी नीति की गर्दन मरोड़ने वाले थे, पर उसी समय वह घटना घट गई जिसकी घटने की कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। दूर और लड़की से अपनी लैब से क्रैत और कैंचुली पर वन नजर रखता मैं यह दृश्य देखकर कुर्सी से नीचे गिरते गिरते बचा। शंकर सेंसा, अगर इसे क्रॉच भी आई तो तुम दोनों को और तुम्हारे मालिक को फाड़कर सुखा देगा शंकर सेंसा। मैं जानता हूं कि तुम दोनों को यहाँ नागमणि ने भेजा है। तू यह कैसे जानता है? यह तो पता नहीं, पर अच्छा युवा तू खुद यहाँ आ गया। मेयर और उसकी बेटी के साथ साथ तेरी मौत की खुशखबरी भी देंगे हम प्रोफेसर को। मेरी कनपटिया शंकर सेंसा को वहां देखकर ईशन सुना रही थी, पर अभी सबसे बड़ा अजूबा था मेरे सामने आने बाकी था। उसके आदेश पर उसके आस्तीन में मौजूद नाग हवा में सरसराया। विष्प्रिय, खत्म कर दो इन दोनों को। इस मूर्खों, पूरी तैयारी के साथ आया हूं मैं। मेरे हुक्म का गुलाम है यह इच्छाधारी नागू का राजकुमार। तुम अदने से विष्पुरुष भला कहां टिकोगे इसके आगे? इनकी आत्माएं भी शरीर से चूर चूर होकर बाहर निकलनी चाहिए विष्प्रिय। जो आ गया स्वामी, मेरी कुंडली से इनकी आत्माएं खंड खंड होकर ही निकलेगी स्वामी। इच्छाधारी नाग, जी हाँ दोस्तों, मैं जिन इच्छाधारी नागों को हासिल करने की हसरत बरसों से पाले घूम रहा था उसे अपनी अस्थि में पाले बैठा था वह कमबख्त। दुड़ दुड़ बोल बम। दृढ़ क्रैत और कैंचुली मेरे सबसे शक्तिशाली विश्व पुरुष थे, लेकिन किसी इच्छा दैनाक के सामने टिक पाना उनके बस की बात नहीं थी। बॉल बम। मृत्यु के बाद भी इंसान की आंखें 6 घंटे तक जीवित रहती हैं। क्रैत और कैंचुल की आंखों में फिटेड रिसेप्टर्स उनकी मौत के बाद भी काम कर रहे थे। चिराग के जिनकी तरह अपने मालिक के आदेश का पालन करके दोबारा संगत शहनशाह की आस्तीन में समा गया वह इच्छाधारी। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? लड़की की ओर घुमा वह। मेरे मन में आज जगी कि कम से कम नीति का तो काम तमाम करेगा वह, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अकेले नहीं आता। मेरा बुरा वक्त भी बेशुमार दुश्वारियों के साथ आ रहा था। तुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता मेरी बच्ची। तो पापा, आप शंकर सेंसा हैं? शीत क्षेत्र में नागराज की दुश्वारियां भी बढ़ रही थी। ठंड नागों की प्राकृतिक शत्रु होती है, नागराज की भी थी। शरीर और दिमाग दोनों पर ठंड से भीषण कमजोरी आवी हो रही है। मैं महसूस कर सकता हूं मेरे अधिकतर सर्प सैनिक मेरे शरीर का तापमान गिरने से सुप्त अवस्था में चले गए हैं। तुम पर ठंड का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता? मैं शीतनाग प्रजाति की इच्छाधारिणी हूं, ठंड हमें शक्ति प्रदान करती है। अगर जल्दी मेरे शरीर का तापमान सामान्य नहीं हुआ तो मेरा शरीर और मस्तिष्क भी
सुप्त अवस्था में चला जाएगा। तक्षिका, क्या तुम्हारे तंत्र वायु से रोक सकते हैं? क्षमा चाहती हूँ राज, पर तेज सर्पें कभी एक दूसरे पर वार नहीं करती। तुम नाग रत्न के योग्य हो, यह सिद्ध करने के लिए तुम्हें सिद्धिका को भी अपने दम पर ही हराना होगा। वाह, तुम्हें तुम तक पहुंचने के लिए किसी भी खतरे को मुझसे गुजरना होगा। वल्ला वल्ला, अब क्या होगा? अब क्या हुआ? तेरे सर्पे का मुकाबला करने का छोड़कर कोई भी आदेश दो, तक्षिका की जान भी हाजिर है। मेरी तंत्र ऊर्जा मेरे शरीर का तापक्रम सदैव सामान्य रखती है। मेरे अन्य सर्प सैनिकों की तरह तुम पर ठंड का असर क्यों नहीं हो रहा तक्षिका? क्या इस तंत्र ताप का संचार तुम मेरे रक्त में कर सकती हो? ऐसा करके तुम मेरी सहायता भी करोगी और तुम्हें अपने साथी के विरुद्ध लड़ना भी नहीं पड़ेगा। अवश्य राज, अभी लो दौड़। ओ तो बचाओ, उससे आक्रामक मुद्रा में आ गए तुम। रक्त संचार सामान्य हो रहा है, सूक्ष्म सर्प भी सुप्त अवस्था से जागृत हो रहे हैं, यानी तक्षिका ने अपना काम कर दिया। पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा है, अब मिस कूल कूल से मिल निपटा जाए। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, जितना मर्जी चाहे आत्माओं मार लो, फिर भी सीतिका की शीत शक्ति से जीत नहीं पाओगे। अपनी शक्ति की काट तुमने खुद ही मुझे बता दी मिस आइस क्यूब। मैंने मैंने कब बताया? तुम्हारी कुंडलनी पर वार करके। आह बड़ा, हमारे शरीर का ताप हमारी कुंडलनी ही नियंत्रित करती है। शीत यानी ठंड का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ताप के अनुप स्थिति की अवस्था ही शीत कहलाती है। जैसे योगी अपनी कुंडलनी शक्ति से शरीर का ताप इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि शरीर अग्नि की तरह तपने लगे, वैसे तुम्हारी कुंडलनी अपने शरीर का ताप न्यूनतम स्तर से भी नीचे रखती है। मेरा यह वार तुम्हारी कुंडलनी को सुला देगा। जब तुमने कहा कि शीत तुम्हें शक्ति प्रदान करती है, जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारे जिस्म का तापमान बढ़ जाए तो तुम पर वही असर होगा जो मुझ पर शीत का हो रहा है। और भला तुम यह कैसे करोगे? उफ, यह तूने क्या किया लड़के, मेरी शीत शक्तियां क्षीण पड़ रही है। तुम्हारी कुंडलनी सुप्त हो चुकी है मिस पिगली आइसक्रीम, अब तुम पे अपने शरीर का ताप नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कुंडलनी जागृत है। अब तक नागराज ने कुंडलनी का प्रयोग ध्यान ऊर्जा केंद्रित करने के लिए किया था। यह प्रथम अवसर था जब वह नाग शक्ति अतिरिक्त अपने किसी अन्य शक्ति का विस्तार कर रहा था। हालांकि आज तक मैंने अपनी कुंडलनी का प्रयोग इस कार्य के लिए कभी नहीं किया, पर दुनिया में हर काम की शुरुआत पहली बार से होती है। तक्षिका द्वारा अपने तंत्र ताप से खुद का तापक्रम सामान्य रखने से मुझे यह आइडिया आया। मेरी कुंडलनी काम कर रही है, शरीर का ताप तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1000 डिग्री बुखार में हूं। उफ, इतनी भीषण उष्मा, मेरा मस्तिष्क सुप्त हो रहा है। तुम्हारी शीत शक्तियां निष्क्रिय होते शीत क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। ओह, इस नरक से झुलसती आग से आजाद करो मुझे। आजादी की एक ही शर्त है, अपनी हार स्वीकार करो और मुझे आगे बढ़ने दो। यदि तक्षिका ताप तंत्र से मेरे सूक्ष्म सर्पों का तापक्रम सामान्य नहीं रखे हुए होती तो मेरी अवस्था उनके लिए प्राण घातक भी हो सकती थी। हार मानने के अलावा सिद्धिका के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। सिद्धिका ने भी तक्षिका की तरह नागराज के शरीर में निवास करने का निश्चय कर लिया। स्थिति का सदैव तुम्हारे लिए कर्तव्यबद्ध रहने और तुम्हारे कर्तव्य आदेश का पालन करने का वचन देती है। तंत्र वन और छी क्षेत्र को पार कर नागराज पहुंचा कालदीप के तीसरे पड़ाव पर, जो था अग्निखंड। पूरा जंगल, यहाँ तक कि पेड़ पत्ते भी अग्नि की तरह धधक रहे हैं। यह अग्निका का अग्निखंड है। अग्निका का अग्निताप तुझे पल भर में भस्म कर देगा लड़के, वापस लौट जा। तुम तीनों ने अपनी डायलॉग प्रैक्टिस एक साथ की थी क्या? तीनों एक ही जैसे डायलॉग मारती हो। नाग रतन तक पहुंचना बच्चों खेल नहीं लड़के, मुझे हैरत है इस बात के बात पर कि तुम तक्षिका और क्षितिका को परास्त कर यहाँ तक कैसे आ गए। पक, जब तुम्हें हरा कर यहाँ से आगे बढ़ूंगा तब तो तुम्हारी सारी हैरानी और परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। ठाक, उफ, इसका शरीर तो देखते अंगारे की तरह तप रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम दोनों में से कोई भी इसे लड़ने में मेरी मदद नहीं करने वाली। सॉरी राज, बट रूल्स आर रूल्स। मैं मीन साउंड नहीं करना चाहता,
पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि छतरी नागों का अस्तित्व वास्तव में होगा, और अगर होगा भी तो इंग्लिश बोलते होंगे। छतरी नागों की उम्र हजारों वर्षों की होती है नागराज। नागरत्न की सुरक्षा का दायित्व मिलने से पूर्व हम तीनों ने अपना जीवन मानवों के अलग अलग सभ्यताओं के बीच उनके वेश में रहकर गुजारा है, इसलिए संसार की विविध भाषाओं और प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान है हमें। इस नागरत्न की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने सौंपी तुम्हें? सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे राज। फिलहाल अगर नागरत्न तक पहुंचना चाहते हो तो अपना ध्यान अग्निका पर केंद्रित करो। मिस जली बुनी से पार पाने का कोई आइडिया नहीं सूझ रहा, सूझेगा भी नहीं, क्योंकि अग्निका से पार पाना तेरे बस की बात नहीं है, तेरी जली बुनी लाश ही पार होगी यहाँ से। अरे रिलैक्स मैडम ओवन, तुम्हें अपने दिमाग का टेम्परेचर कूल डाउन करने की जरूरत है, गुस्से में आग बबूला होना अच्छी बात नहीं है। अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो लड़के, तुम्हें लगता है यह बोले मुस्कान लेकर तुम मुझे जीत जाओगे? नहीं, बस भयंकर भूमि बमबोर भूकंप बोचका कर पाऊंगा क्या? पैरों तले धरती खिसकने वाली है मैडम अंगीठी। उफ, मेरे आदेश पर मेरे सब सैनिकों ने हमारे ठीक नीचे की धरती पोली करके यह सुरंग बना दी है। इस धरती के भीतर ही अपनी कब्र बनवाना चाहते हो? नहीं मैडम माइक्रोवेव, आपको यह बताना चाहता हूं कि यह आपकी अंगीठी नहीं जलने वाली। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इस रेतीली मिट्टी के नीचे तुम्हारा अपनी अग्नि शक्ति आप प्रयोग कर पाना नामुमकिन है। ओह, मेरी अग्नि शक्ति कार्य नहीं कर रही। जितना हम इस समुद्री द्वीप के तल की ओर गिरते जाएंगे, भूमि का तापमान भी उतना ही गिरता जाएगा। अगर शीतिका बिना शीत के नहीं रह सकती तो निश्चित तौर पर ताप का अभाव तुम्हें अशक्त कर देगा। बटराक, मेरा दिमाग सुप्त अवस्था में जा रहा है, मैं मदद कर देता हूँ। अद्भुत क्षमता और शक्तियों के सामने तीर सर्पी, जिनके नाम से आज अपराध जगत की रूह सूख जाती है, उन्हें इतनी चपलता से परास्त कर दिया था उस 15 वर्षीय किशोर ने। होश में आने पर अग्निकांड ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली, और नागराज के शरीर में निवास भी। मेरी नाग सेना में स्वागत है अग्निका। शुक्रिया राज। कालदीप के 3 पड़ाव तो पार कर लिए, अब आगे क्या? कालदीप का अंतिम पड़ाव जो तुम्हें पहुंचाएगा नागरत्न तक, तो यह है कालदीप का अंतिम पड़ाव। बिल्कुल, नागरत्न सामने नजर आ रहे मंदिर में रखा है, और उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यह सर्प सेतु है। पर ध्यान रखना राज, इस सर्प सेतु के नीचे जो कुंड देख रहे हो वह अमलीय कुंड है, यदि तुम उसमें गिर गए तो तुम्हारे अवशेष भी नहीं मिलेंगे। गिरूंगा क्यों, अच्छा भला मजबूत पुल नजर आ रहा है, क्योंकि यह सेतु जीवित है। नागरत्न का रक्षक सर्प सरपट है, यह संसार का सबसे तेज गति से उड़ने वाला उड़न सर्प है। यह मेरी बेवकूफी थी जो मैंने सोचा कि अंतिम पड़ाव इतनी आसानी से पार हो जाएगा। मेरे काबिल साथी पैसा नहीं गए होंगे। जी हाँ, वह नागराज का वान सर्प सरपट ही था जिससे नागराज की प्रथम मुलाकात मुठभेड़ के रूप में हो रही थी। पर मैं उस मंदिर तक पहुंचने के लिए पुल का मोहताज नहीं हूं, मेरी सर्प रस्सी यह काम आसानी से कर सकती है। ओ, मंदिर के गुंबद से निपटते सर्प रस्सी जल गई। मैंने कहा ना कि मंदिर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यह सर्प सेतु है। यदि यदि नाग मंदिर तक पहुंचना है तो सरपट पर सवार होकर ही जाना होगा, दूसरे किसी भी तरीके से तुम उस तक नहीं पहुंच सकते, और सरपट ने आज तक किसी को अपने ऊपर सवारी नहीं करने दिए। यानी मुझे सर्प रस्सी का निशाना सरपट को बनाना होगा। सरपट किसी को भी अपने अपने ऊपर नहीं टिकने देता राज। ओह, और फिर इसका साथ देने में तुम्हें रोकने के लिए हम भी तो हैं। धौड़, उफ, धोखा। नागराज सरपट और तीर सरपी रूपी
दो तरफा मुसीबत झेल रहा था। इस बात से अनजान की वो उसके अलावा कोई और भी कालदेव तक पहुंचा था। या मैं अपने साथियों को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि बुलडो के वाहन की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी जानकारी मुझे काफी बाद में हुई, पर आपकी सहूलियत के लिए इसका वर्णन मैं लगे हाथों कर रहा हूं। शंकर शहंशाह ने जो कुछ भी कहा, अगर उसमें सच्चाई है तो समुद्र के भीतर इस द्वीप के तल में नाग मंदिर होना चाहिए। है, यहाँ तो नाग मंदिर है। इसका मतलब इस मंदिर में वह वस्तु भी होनी चाहिए जिसे लाने के लिए शंकर शहंशाह ने मुझे यहाँ भेजा है। बुलडो के वहां होने का उद्देश्य नागरत्न हासिल करना या नागराज को मारना नहीं, बल्कि कुछ और ही था। एक नाग मंदिर कालदीप के ऊपर तो दूसरा कालदीप के नीचे समुद्र तल में। आखिर क्या रहस्य था इस नाग मंदिर का और क्यों भेजा था शंकर शहंशाह ने बुलडोग को वहां? क्या आश्चर्य था वह? सब कुछ बताऊंगा साथियों, पर सही समय आने पर। फिलहाल सिर्फ इतना बता सकता हूं, इस नाग मंदिर में ऐसी चीज मौजूद थी जो नागरत्न की तरह ही छताई नागों को अपने अधीन करने की क्षमता रखती थी, पर उस वस्तु तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कैसा अजीबोगरीब प्राणी है यह! लगता है यह यहाँ इस नाग मंदिर की पहरेदारी कर रहा है। किसी भी इंसान की रूह फना हो जाती है उस दत्या को देखकर। लेकिन बिग ब्लैक बुलडॉग अब आम इंसान कहाँ रह गया था? यह तो मुझ पर हमला कर रहा है। बेचारा नहीं जानता कि रैबिज का जहर बुलडॉग की रगों में दौड़ रहा है। मेरी जान बचाने और रैबिज के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए स्वामी शंकर शहंशाह ने मुझे जाने की ऐसी जड़ी बूटियां दी जिन्होंने मेरे मस्तिष्क से दर्द के एहसास को हमेशा के लिए मिटा दिया और मुझे वह सीमित बल प्रदान किया जिसके आगे इंसान तो क्या, इस शैतान का भी जोर नहीं चलने वाला। जल्द ही नागराज का सीना भी ऐसे चीरेगा बुलडॉग। ताकत का चलता फिरता तूफान बन चुका था बुलडॉग। उस विशालकाय जलदस्यु को ऐसे चीर डाला उसने जैसे कागज का बना हो। अपने जिस मालिक का हुक्म तामील करने में लगा हुआ था बुलडॉग, वह शायद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल का सामना कर रहा था। क्यों पापा, आखिर क्यों? आपकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी तो मेरा गुरूर थे। आज आपको ऐसे एक अपराधी के वेश में देखकर मेरा गुरूर ही नहीं, हमारे रिश्ते पर मेरा अटूट विश्वास भी टूट गया। ऐसा ना बोल मेरी बच्ची, मुझे एक आम इंसान शंकर सानी से अपराध का बेताज बादशाह शंकर शहंशाह बनाने वाली मेरी यही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा है। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने वाली तुम्हारी माँ को हम दोनों से हमेशा के लिए जुदा करने वाली मेरी सच्चाई है। पर माँ की मौत तो एक हादसा था। तुम्हारा सच यही रहे, मैं यही चाहता था, पर आज मेरे पास तुम्हें वास्तविक सच्चाई बताने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम्हारी माँ मेरे फर्ज की शिकार हुई थी। राजनीति एक ऐसी गंदी दलदल है जो सच्चाई को निगलने में कोई रहम नहीं दिखाती। मेरी सच्चाई और ईमानदारी राजनीति गलियारों और इस गंदी दलदल के बड़े घड़ियालों को रास नहीं आ रही थी। मुझे सीधे मरवाने का खतरा कोई नेता नहीं ले सकता था। तुम उस समय बोर्डिंग स्कूल में थी। मैं और तुम्हारी माँ छुट्टियां बिताने के लिए समुद्री यात्रा कर रहे थे जब वह भयानक भयानक घटना घटी। सांप, सांप, पूरे शिप पर अनगिनत सांप है। उफ, कैसी मुसीबत आई है। यह विपदा खुद नहीं आई बल्कि भेजी गई संगीता मुझे खत्म करने के लिए, वरना बीच समुद्र में भला शिप पर सांपों का सैलाब कहाँ से आता। इस कुछ ही पलों में पूरा शिप कब्रिस्तान नजर आ रहा था। पूरे क्रू से लेकर कैप्टन तक सभी उन हत्यारे नागों का शिकार हो चुके थे। अब था समुद्र के बीच दशाहीन जहाज और उस पर हजारों जहरीले नागों से घिरे मैं और तेरी माँ। तुम डरो मत संगीता, तुम तक इनके जहरीले फन नहीं पहुंचने दूंगा मैं। धाए धाए धाए। लेकिन उन हत्यारों की संख्या मेरे हथियार की गोलियों से कहीं अधिक थी। जल्द ही उन्होंने मुझे और तुम्हारी माँ को अपना निशाना बना लिया। उफ संगीता, तुम्हें नहीं बचा पाया मैं, पर कसम है मुझे तुम्हारे हत्यारों को बहुत बुरी मौत दूंगा। मौत मेरा भी मुकद्दर बनने पर तुली थी। मौत मेरा भी मुकद्दर बनने पर तुली थी, पर मुझे तो हर कीमत पर जिंदगी अपने अपने नसीब में चाहिए थी, क्योंकि मुझसे जुड़ा था तुम्हारा नसीब, तुम्हारा भविष्य। नीति मेरी बच्ची, तुझे अनाथ नहीं होने दूंगा मैं। हफ, जहर मेरे मस्तिष्क पर चढ़ रहा था
जहर से बोझिल मेरे डगमगाते कदम, कब मुझे डेक के किनारे ले गए और कब मैं था समुद्र के आगोश में समा गया मैं नहीं जानता। शायद वह तेरा प्यार और तेरी माँ को दिए हुए वादे का ही करिश्मा था जो मैंने दोबारा अपने फेफड़ों में सांस भरी। अफ कहाँ हूं मैं, बहुत ही अजीब सा गांव था वह और बहुत ही अजीब से लोग, हरी आंखों वाले, चमकती हुई सांप जैसी, चिकनी खाल वाले। दिमाग को राम दो अजनबी, तुम हमें इस द्वीप के किनारे लहरों पर बहते हुए मिले थे, अनगिनत नागों का विष था तुम्हारे भीतर। यह कुदरत का करिश्मा ही है कि तुम जीवित बच गए। जब मैं कुछ स्वस्थ हुआ तब मुझे उस द्वीप के राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे सभ्य समाज के लिए इस द्वीप पर प्रवेश निषेध है अजनबी, परंतु हमारे हृदय ने गवारा नहीं किया कि हम एक ऐसा निरीह मनुष्य को अपनी आंखों के सामने मरने दे, इसलिए हमने तुम्हारे प्राण बचाने के आदेश दिए। जैसे तुम स्वस्थ हो जाओगे तुम्हें यह द्वीप छोड़कर जाना होगा और इस द्वीप से संबंधित सभी समस्याएं तुम्हारे मस्तिष्क से मिटा दी जाएगी। मैं आपका आभारी हूं महाराज, मैं खुद जल्द से जल्द वापस लौटना चाहता हूं महाराज, बहुत हिसाब चुकाने हैं मुझे। कुछ दिनों में मुझे पता चल गया कि वह जगह और वह कबीलेवासी इतने असामान्य क्यों लगते थे, क्योंकि वे इंसान थे ही नहीं। मेरे देखते ही देखते वे इंसान से नाग बन गए, मैं इच्छाधारी नागों की जाति के बीच आ गया था। पिताश्री के आदेश के विरुद्ध हमें नाग रूप में नहीं आना चाहिए नाग। उन्होंने ऐसा द्वीप प्राय अजनबी के कारण किया विष्प्रिय। फिलहाल यह अजनबी अपनी कुटिया में आराम कर रहा है, इस मिलन यामिनी को हमें इसकी उसकी वजह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इच्छाधारी नाग का पुल कहानी नहीं बल्कि हकीकत थे, तो फिर इनके अद्भुत शक्तियों का वर्णन भी हकीकत होना चाहिए था। अपना अस्तित्व मुझे छुपाने के लिए वे इंसान रूप धरे हुए थे। मैं समझ गया कि किस्मत मुझे वहां मेरे उद्देश्य पूर्ति के लिए लेकर आई है। मैं भी ऐसे अनजान बना राज्य से उनकी सच्चाई से अनभिज्ञ हूँ। वहां एक नाग मंदिर था जिसमें उस द्वीप पर नाग जाता था, पर मेरा उस मंदिर में प्रवेश वर्जित था। क्षमा करें अजनबी, परंतु इस मंदिर में केवल द्वीपवासी ही प्रवेश कर सकते हैं, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। उस मंदिर तक पहुंचने का दूसरा मार्ग तलाश लिया मैंने। मंदिर के ठीक पीछे स्थित उस पहाड़ी पर चढ़कर मैं मंदिर के ऊपर तक पहुंच गया। उस मंदिर में नाग देवी की एक विशालकाय मूर्ति थी जिनके मस्तक पर एक अत्यंत तेजस्वी मणि थी। मंदिर के भीतर नाग इच्छाधारी रूप में उस मूर्ति का पूजन करते थे, वह उनकी आराध्या देवी थी। तुम्हारा अपराध समय योग्य नहीं है, तुम दोनों की मूर्खता से हमारा अस्तित्व खुलकर उस अजनबी के सामने आ सकता था। महाराज मणिराज का आदेश था कि जब तक वह अजनबी इस द्वीप पर है कोई भी इच्छाधारी नाग रूप धारण नहीं करेगा, किंतु तुमने राजा आज्ञा के विरुद्ध ऐसा किया। क्षमा कर दे पुजारी बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम महाराज के पुत्र ही नहीं, इस नागमणि द्वीप के युवराज भी हो। विष्प्रिय, हमें तुमसे इस लापरवाही की अपेक्षा नहीं थी। तुम जानते होगी यदि मानवों को हमारे अस्तित्व का ज्ञान हो गया तो पर ले आ जाएगी। आज यह मानव आया, कल और आएंगे। इंसान स्वभाव से लोभी होते हैं। यदि उन्हें उन्हें हमारी इच्छाधारी शक्तियों के स्रोत नाग देवी के मस्तक पर लगी इस मणि का पता चल गया तो वे इसे हासिल करने के लिए यहाँ रक्तपात मचा देंगे। यह तुम्हारी पहली और आखिरी भूल है जिसे मैं क्षमा कर रहा हूं, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी अगली भूल इच्छाधारियों के विनाश का कारण बने। ऐसा कदापि नहीं होगा पुजारी बाबा, क्षमा कर दो। अब तुम दोनों जाओ यहां से, घोर आराधना का समय हो चला है, यदि इसमें विलंब हुआ तो इच्छाधारियों का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कौतूहल बढ़ रहा था, आखिर क्या भेद छुपाए हुए था वह बुढ़ा नाग पुजारी। उस नाग जोड़े के वहां से जाते बुढ़े पुजारी ने अपने हाथ में थमे त्रिशूल को नाग देवी की मूर्ति के चरणों से स्पर्श कराया। ऐसा करते मूर्ति के ठीक नीचे एक एक गुप्त द्वार खुल गया। पुजारी उस गुप्त तहखाने में उतर गया। मैंने पहाड़ी पर मौजूद कुछ वृक्षों से मजबूत लताएं तोड़ी और उनके सारे भीतर उतर गया। उस बुढ़े पुजारी की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी नाग यान की हिम्मत नहीं करता था, शायद इसलिए वह निश्चिंत था। उसके इसी निश्चिंतता का फायदा उठाते हुए मैं उसके पीछे तहखाने में उतर गया। नाग देवी की मूर्ति के नीचे बने तहखाने में
एक और विशालकाय मूर्ति थी, तीन फन वाले विशालकाय नाग की मूर्ति। उसकी कुंडली पर कुछ विशिष्ट वस्तुएं रखी हुई थी। पुजारी अपने काम में तल्लीन था, इस बात से अनभिज्ञ कि मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हूं। पूजन के दौरान बुड्ढा न जाने क्या आरती या चालीसा पढ़ रहा था, जिसके शब्द पूरी तरह मेरे पल्ले नहीं पड़े, पर मुझे इतना समझ आ गया कि नाग देवी की यह बहुमूल्य द्रोण, जिसे हम इच्छाधारी तब से संभालते आए हैं जब से पाताल लोक हमसे पृथक हुआ, नाग देवी की यह दंश लहरी बीन, जिसकी ध्वनि संसार के किसी भी नाग को सम्मोहित कर सकती है, यह वज्र ना डमरू, जिसकी गूंज इच्छाधारियों के लिए देव आज्ञा है, कोई भी इच्छाधारी से डमरू को बजाकर दिए गए आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। यह हलासुल त्रिशूल, जिसके सामने कोई भी इच्छाधारी नाग सर उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता। नागकंठी, जिसे धारण करने वाले प्राणी पर नाग देवी की कृपा सदैव बनी रहती है, कोई भी नाग उसे डस नहीं सकता। सदियों से नाग देवी की यह धरोहर प्रतीक्षा कर रही है अपने सच्चे उत्तराधिकारी की, इच्छाधारियों के उस सर्वश्रेष्ठ तक्षक की, जो इच्छाधारियों को श्राप मुक्त कर उन्हें संसार से निकालकर पुनः उनके श्रेष्ठ स्थान नागलोक पहुंचाए। वहां मौजूद वे सभी वस्तुएं मुझे इच्छाधारियों का शहंशाह बना सकती थी। उस बुढ़े पुजारी की वह महिमा सुनकर मेरे दिमाग में एक योजना कुल बुलाने लगी। नफरत है मुझे नागों से, नागों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब इन नागों को मैं अपने दुश्मनों की तबाही का हथियार बनाऊंगा। तेरे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात तुझे अपने पास बुला लिया। बुढ़े, पूजन में तल्लीन बुढ़े पुजारी को पता भी नहीं चला कब मैंने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। इच्छाधारियों का भगवान बनने की सभी वस्तुएं मेरे कब्जे में थी। हा, हलासुल, वज्रनाद, दंश लहरी और नागकंठी होते हुए इन सभी इच्छाधारियों को मुझे अपना भगवान मानने पर विवश होना पड़ेगा। ओह, पता नहीं है उस पूजन में पड़े विघ्न के कारण नागदेवी का कोप था या किसी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप, एक आग पूरी धरती सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उफ, लगता भूकंप आ रहा है, मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, पर उससे पहले नागदेवी की अमणि भी मुझे अपने कब्जे में करनी होगी। वह जलजला उस द्वीप को समुद्र में गर्त कर देने पर उतारू था। यह भीषण भूकंप तो पूरे नागमणि द्वीप को समुद्र में डुबा देगा। भूकंप के कारण द्वीप को घेरी हुई चट्टाने भी अपनी जगह से खिसक रही हैं, जिनके नीचे कुचल कर अनगिनत इच्छाधारी मर रहे हैं। नागदेवी हमसे रुष्ट हो गए, अवश्य पुजारी बाबा के पूजन कार्य में कोई विघ्न पड़ा है। पूरे द्वीप पर कोहरा मचा हुआ था, चारों ओर लाशी लाशें, मंदिर से निकलते ही मैं भी उन लाशों में इजाफा करने लगा। वाकई उस नाग त्रिशूल के आगे कोई भी नाग नहीं टिक रहा था। वह मानव नाग देवी के मंदिर से निकल रहा है और उसके पास देवी की धरोहर है, अवश्य यह विपदा इस दुष्ट मानव के कारण आई है, खत्म कर दो इसे। हा, गौर से देख मणिराज, नाग देवी के त्रिशूल का सामना भला क्या करेंगे तेरे अदने इच्छाधारी। उफ, लगता है इसने मुझे और नाग्या को नाग रूप धरते देख लिया था, अन्यथा इसे नाग शक्तियों की जानकारी कैसे होती। राज धर्म का पालन करते हुए या फिर अपनी प्रजा की वैगत देखकर गुस्से से बौखलाया हुआ मणिराज झपट पड़ा मुझ पर, लेकिन हलासुल के सामने वह भी ऐसा ही था। मणिराज से जीवित रहते तुम नागमणि और देवी का त्रिशूल नहीं ले जा सकते, नीच मानव, तेरे जीवित रहते हुए इस त्रिशूल को ले जाने की मेरी इच्छा है भी नहीं। पिताश्री, उस समय मेरा वहां से निकलना अत्यंत आवश्यक था। सभी कबीलेवासी मणिराज को संभालने में लगे थे, जिन्होंने भी मेरे पीछे आने का साहस किया उन्हें मैंने हलासूल से खत्म कर दिया। उस द्वीप से भाग निकलना उस समय जिंदा रहने के लिए मेरी मजबूरी भी थी और मेरी प्लानिंग का अहम हिस्सा भी। द्वीप और उसके सभी इच्छाधारी उस भूकंप में फना हो रहे थे, क्रोध और इंतकाम की आग में जलता राजकुमार विश्वप्रिय मेरे पीछे लगा हुआ था, अपने शुद्ध बुद्ध तक खो बैठा था वह। नीच मानव, तेरे लहू से नागदेवी की प्रतिमा को स्नान कराऊंगा मैं। समस्त इच्छाधारी नाग जाति का दोषी हूं मैं, अवश्य तूने मुझे और नाग्या को
मिलन यामिनी में नाग रूप धारण करते देख लिया होगा, जिसका दुष्परिणाम पूरी नागमणि द्वीप को भुगतना पड़ा। दुष्परिणाम भुगतने की तो अभी शुरुआत हुई है इच्छाधारी। अब तक मैं यह जान चुका था कि विष्प्रिय उस द्वीप का सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी योद्धा है। अब मेरा उद्देश्य उसे अपना गुलाम बनाने, अपना सबसे अचूक हथियार बनाने का था। मेरा गुलाम बनकर तू ताउम्र इस दुष्परिणाम का भुगतेगा। उफ, नागदेव की द्रोह की शक्ति को जान गया तू। अब बारी थी वज्रनाथ की। मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू सबसे अब से मेरा गुलाम होगा और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। अपना नाग रूप धारण कर और समा जा मेरी आस्ती में, जैसे आपकी आज्ञा स्वामी। उसने फौरन हुक्म की तामील की। हा। अब महानगर वापस पहुंचकर अपने इस अचूक हथियार से अपने सभी शत्रुओं का सर्वनाश करूंगा मैं। मेरे उस द्वीप से निकलने की समस्या का समाधान कर दिया था ना कि अस्थियों से बनी उस रहस्यमयी नौका ने, जो कि ना जाने उस निर्जन तट पर कहां से आ गई थी। मेरे उस द्वीप से निकलते संपूर्ण नागमणि द्वीप उस पर मौजूद सभी इच्छाधारियों के साथ समुद्र में दफन हो गया, सिवाय एक के, जो कि अब मेरा गुलाम था। नागदेव की उन धरोहरों में अवश्य कोई अद्भुत शक्ति थी, इसलिए शायद हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए भी मुझे दुर्बलता का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा का समावेश होता प्रतीत हो रहा था। कई हफ्ते तक नाग नौका में समुद्र की धाराओं पर बहने के पश्चात एक जहाज नजर आया, जिसके लोगों ने मुझे मेरे वैसे साधु संन्यासी समझ लिया। आप कौन है बाबा, इस अथाह समुद्र में कहाँ विचर रहे हैं? वह भी उस विचित्र नौका पर साक्षात शिव रूप धारण किए हुए हैं, कोई शिव उपासक लगते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? अब दुनिया के सामने शंकर चांदी का वजूद और बदले की आग में झुलसते मेरे भीतर के रावण के वजूद में फर्क करने का समय आ गया था। उसी पल शंकर चांदी के भीतर एक और शख्सियत ने जन्म लिया, वह था शंकर सहनशाह। बोल बम, हमारा नाम है शंकर सहनशाह। वह अद्भुत अस्थि नाग नौका शायद नाग देवी ने मेरी सहायता के लिए भेजी थी। मुझे उस शिप पर पहुंचाकर जाने कहाँ गायब हो गई वह रश्मि नौका। आश्चर्य, नौका कहाँ गायब हो गई? यह भी हमारी महिमा है बच्चा। शंकर सहनशाह के रूप में मैं अपने साथ अपने हुक्म का वह गुलाम लाया था, जिसने अपराध जगत के बड़े से बड़े बादशाह पीट दिए। तो कौन हो तुम? आह, जिस शंकर सानी को तूने शिप पर मरवाने की चाल चली थी उसी का विकृत रूप हूं मैं हूं शंकर सहनशाह। बोल बम फिस फुस। शंकर सानी के रूप में मैंने अपना पुराना रुतबा वह पद हासिल किया और महानगर का मेयर बना। मैंने अपना सर्वस्व सदैव महानगर और महानगर वासियों की उन्नति, बेहतरी और सुरक्षा के लिए लगाया है। पुराने वाले समय में भी मैं जनता को दिया अपना वचन यूं ही निभाता रहूंगा। इसके साथ ही मैंने शंकर सहनशाह के रूप में अपराध की दुनिया का सहनशाह बनने की मुहिम शुरू कर दी। महानगर में ड्रग्स की सप्लाई सिर्फ एसएस करेगा, बाकी सबकी बोल बम। विषप्रिया की शक्तियों के बल पर मैं बन गया जुर्म की दुनिया का शहंशाह, पर तुम्हारी माँ की मौत का बदला अब भी अधूरा मेरी बच्ची। जब तक मैं उस शख्स के कलेजे में अपना त्रिशूल नहीं उतार देता जिसने मेरे पॉलिटिकल राइवल्स के निर्देश पर शिप पर नाग भेजे थे, तब तक मेरा बदला अधूरा है। यह कैसा बदला पापा? जिन लोगों की वजह से माँ की जान गई आप भी उनके ही जैसे बन गए। आपके बेचे हुए जहर से आज लोगों के परिवार वैसे उजड़ते हैं जैसे आपका परिवार उन नागों के जहर से उजड़ गया था। यही विधि का विधान है मेरी बच्ची। निर्बल का दमन कर सर्वश्रेष्ठ बाहुबली उस पर राज करता है और शंकर सहनशाह सर्वश्रेष्ठ है। और वैसे भी मैं नागों के उस सौदागर के गिरेबान के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। जानना नहीं चाहूंगी कौन है वह दुष्ट जिसने तुमसे तुम्हारी ममता छीन ली। तो कौन है वह? तेरे परम मित्र नरक नाशक का बाप प्रोफेसर नागमणि। यह सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं पापा। वापस लौटने के बाद मैंने अपना हर दिन हर पल उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगाया है। मैं झूठा हो सकता हूं, पर क्या ये सभी फाइलें, सभी रिपोर्ट्स झूठी हैं? इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इन रिपोर्ट्स की डेट्स देखो। नागमणि का एक ही बेटा राज,
और अजब से मानगल लौट के आया। उसके बाद से शहर में नरक नाशक का आगमन हुआ है। क्या यह मैजिक इत्तेफाक है? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यही सच है मेरी बच्ची, जिसे तुम मानवता का रक्षक, सुपर हीरो और ना जाने क्या क्या समझे बैठी हो। वह दरअसल अपने बाप के हाथों की कठपुतली है, जिसे वह दुष्टेश्वर नागमणि अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए नचाता है। और दुनिया समझती है कि नर्क नाशक अपराध के नर का नाश कर रहा है। नागों की शक्ति का प्रयोग अपराध के लिए करने वाला मेरे अलावा इस दुनिया में एकमात्र शख्स नागमणि है, और नर्क नाशक खुद एक नाग शक्ति है। जब नकली एसएस के आदमियों ने हमारे घर पर हमला किया था और नर्क नाशक त्वरण हमें बचाने पहुंच गया, तभी मुझे इस बात का यकीन हो गया था। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है, वह निर्णायक लड़ाई जिसका परिणाम सिद्ध करेगा कि नागमणि की नाग शक्तियां और उसका नर्क नाशक अधिक बाहुबली है या फिर शंकर चैंसा गुलाम विषप्रिय है। वाकई निर्णायक युद्ध का समय आ चुका था। शंकर चैंसा और नीतिका मेरे और नर्क नाशक के बारे में सच बताने का जानने का मतलब था मेरी तबाही। नागराज से लौटते उसे नीति से सारी सच्चाई पता चल जाने वाली थी। मैं ऐसा उन्हें नहीं दे सकता था। वैसे भी मैं नर्क नाशक के मेरे विरुद्ध हो जाने के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता था। अपने सारे कसमें वादे इतनी जल्दी भुला दिए तुम तीनों ने। हम विवश राज प्रत्येक नाग नागिन नाग रतन के आदेश का गुलाम है, या फिर उसका जो नाग रतन का धारक हो। जब तक तुम नाग रतन के धारक नहीं बनते, तब तक हम चाकर भी खुद को तुम पर वार करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि नाग रतन का यही आदेश है कि इस अंतिम पड़ाव पर तुम्हारी पूर्ण परीक्षा ली जाए। तुम चारों मिलकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर देखना यह है कि तुम खुद को तुम चारों मिलकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर देखना यह है कि तुम खुद को इस हमले कुंड में गिरने से कैसे रोकोगे, तब जबकि यह उड़न खटोला खुद उड़ने लायक नहीं रहेगा। ओ नहीं, इसके पास खुद को और तुम्हें इस हमले कुंड से बचाने का अब एक ही तरीका है कि यह पहले की तरह पुल के रूप में दोनों किनारों के बीच स्थिर हो जाए। इसके ऐसा करते ही मैं बिना इसे या तुम्हें संभलने का कोई मौका दिए यह पुल पार कर मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। नाग मंदिर में प्रवेश करने में कोई समय व्यर्थ ना किया उसने। ओ, ऐसी मूर्ति उस नाग मंदिर में भी थी जहां से मुझे कालदीप का नक्शा प्राप्त हुआ था। यह नागों के राजा देवता कालदेव कालजी राज। तुम तीनों से फिर से लड़ना पड़ेगा क्या? नहीं राज, तुमने इस नाग मंदिर तक पहुंचने का अंतिम पड़ाव पार करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम नागरत्न धारक बनने, इच्छा नागों के सम्राट बनने और तक्षक बनने के पूर्णतः योग्य हो। मैं कोई सम्राट नहीं, ना ही किसी पर राज करने की मेरी कोई इच्छा है। मैं सिर्फ सत्य और न्याय का सिपाही हूँ और सदैव यही रहना चाहता हूँ। इस नागरत्न को प्राप्त करने की मेरी कोई निजी अभिलाषा नहीं है, बस पापा का आदेश है, और मैं पापा का कोई भी आदेश नहीं टाल सकता। यह क्या जादू है? नाग रस्सी कितनी भी लंबी हो रही है, पर मूर्ति यह मस्तक तक नहीं पहुंच पा रही है। असंभव, हजारों नागों से बनी नाग रस्सी 60 फुट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रही। देव कालजयी को प्रसन्न किए बिना नाग रत्न तक पहुंचना असंभव है राज। मेरे पास और भी तरीके इस नाग रत्न तक पहुंचने के। रेंग कर नाग रत्न तक पहुंचने में चंद पल लगेंगे मुझे, आजमा लो। पर यह पहला सबक था मेरे बेटे के लिए यह जानने का ही कुछ शक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें वह कभी परास्त नहीं कर सकता। जिस फासले को वह चंद पलों का समझ रहा था, उसे कई घंटों में भी तय नहीं कर पाया। अफ अफ, यह तो खत्म ही नहीं हो रही। व्यर्थ व्यर्थ चेष्टा मत करो, जब तक देव कालजी प्रसन्न नहीं होंगे तुम नाग रत्न तक नहीं पहुंच सकते। कैसे प्रसन्न होंगे तुम्हारे देव कालजी भेंट से?
तो अब क्या फल फूल और मिठाई ढूंढ कर लाने पड़ेंगे? देवकाल जी को केवल विष से प्रसन्न किया जा सकता है, संसार के सबसे तीक्ष्ण विष से, सबसे तीक्ष्ण विष। ओ समझ गया, खच। अगर देवकाल जी संसार के सबसे तीक्ष्ण विष की भेंट से ही प्रसन्न होंगे तो राज उन्हें यह भेंट अवश्य देगा। तुम सब स्वतंत्र हो मेरे साथियों, मेरा आदेश है तुम्हें मेरे जख्मों को भरने की कोशिश ना करना। जब यह लहू इन इन रगों में नहीं रहेगा तो तुम सभी कैसे वास करोगे इस शरीर में? हट और जिद कूट कूट कर भरी थी उस लड़के में, और हो भी क्यों ना, मेरा बेटा जो था मेरा का पत्री लकीर था, उसके लिए अपने बाप का आदेश पूरा करने के लिए देवताओं को भी चुनौती दे सकता था वह। हट छोड़ दो राज, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारे शरीर में रक्त का स्तर बहुत कम हो गया है। अगर पापा का आदेश पूरा नहीं कर पाया तो किस मुंह से जाऊंगा उनके सामने? नहीं, या तो नागरत्न हासिल करूंगा या फिर यही जान दे दूंगा। पर उसकी हट में सच्चाई थी, और सच्चाई तो भगवान को भी झुका देती है। आंखें खोलो राज, देवकाल जी ने तुम्हारी भेंट स्वीकार की। देखो कुंड रक्त से भरते ही देवकाल जी की प्रतिमा नीचे आ रही है। नाग रत्न हाथ में लेते मेरे शरीर में फिर से रक्त का संचार हो रहा है, नाग सैनिक भी वापस लौट रहे हैं। नाग रत्न प्राप्त कर रहे, तुमने सिद्ध कर दिया राज कि तुम इच्छाधारी हो गए असली तक्षक हो। अब से सिर्फ ती सर्पिनी, समस्त इच्छाधारी नाग जाति तुम्हारे अधीन है। इच्छाधारी मैं कोई इच्छाधारी नहीं। मेरे माता पिता दोनों विमान हुए, मेरी माई का हादसे का शिकार हुई थी जब मैं उनके गर्भ में था। उस हादसे की वजह से मेरे शरीर में विष दौड़ने लगा और मेरे भीतर नाग शक्तियां विकसित हो गई। यह संभव है राज, तुम्हारी रगों में देव विष दौड़ रहा है। सिर्फ देव विष में यह शक्ति होती है कि वह विष होते हुए भी जीवन देता है, सृजन करता है, जिसका प्रमाण है तुम्हारे रक्त में सूक्ष्म रूप में वास करते असंख्य नाग सैनिक। संसार का बड़े से बड़ा इच्छाधारी भी अपने शरीर में यह विष धारण नहीं कर सकता, तो साधारण मनुष्य का तो सवाल ही नहीं उठता। सीतिका सही कह रही है राज, तुम किसी साधारण मानव की संतान नहीं हो सकते। कौन कहता कि मैं साधारण मानव की संतान हूं? जिस इंसान ने मानवता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, उसका दर्जा तो मेरी नजरों में वो भगवान से भी ऊपर है। हाँ तेरे सपे, मैं भगवान को झूठा मान सकता हूँ लेकिन अपने पिता को नहीं। मेरी मानव माता ने अपने जीवन का बलिदान देकर मुझे जन्म दिया है, और मेरी इन शक्तियों को मेरे मानव पिता ने अपना सर्वस्व लगाकर सींचा है। यही मेरा सच है जिसे भगवान भी नहीं बदल सकता। यह सब छोड़ो, इस नाग रत्न को प्राप्त करने के चक्कर में पूरा एक दिन निकल गया। आज मैंने नीति को टीट देने का वादा किया था, अब मैं समय पर महानगर नहीं पहुंच पाऊंगा। बस इतनी सी बात, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरपट चंद पलों में तुम्हें दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा सकता है। सरपट इस संसार का सर्वश्रेष्ठ उड़न सर्प है, और चूंकि दुनिया में इसे परास्त करने वाले तुम पहले हो, इसलिए आज से सर्पी के साथ साथ सरपट भी तुम्हारा सदैव के लिए गुलाम हो गया है, तुम्हारी अपनी सवारी। वाह, यह तो गजब का उड़ता है, और यह गुलाम गुलाम क्या लगा रखा है? तुम सब मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। तो अब कहाँ चलने का इरादा है? अपनी मित्र नीति के पास। नीति के पास तो जाना है, पर उससे पहले मुझे पापा के पास जाना होगा। उसे अपने सामने देखकर और उसके हाथों में जगमगाते सूर्य सा चमकता नाग रत्न देखकर मैं कुछ पलों के लिए अपनी सारी दुश्वारियां भूल गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, अब तुम मेरा बरसों का सपना साकार करने वाले हो। वाकई मेरा बरसों का सपना साकार होने वाला था, और उसे साकार बनाने वाला था मेरा वह कदम। अब इस संसार से नरक का नाश करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो पापा, क्या आज की रात मुझे छुट्टी मिल सकती है? मैंने आज रात नीति को टीट देने का वादा किया था। ओ मैं तो भूल गया था, मैंने तो खुद नीति के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। तुम अपने पापा का यह गिफ्ट अपनी सबसे अच्छी दोस्त को दोगे ना बेटे? ऑफ कोर्स पापा, यू आर रियली द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड।
कोटीर नागमणि यानी मैंने नर्क नाशक की नीति बदलने का फैसला कर लिया था और ऐसा मैं खुद नर्क नाशक के हाथों ही करवाने वाला था। खट खट खट, मुझे पता था तुम आओगे। सुपर हीरो कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। पापा गलते, तुम मेरे सुपर हीरो हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त। क्योंकि क्या हुआ तुम्हें, यह कहीं नहीं जाएगी। जाओगे तुम मेरे हाथों नरक की सैर पर। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए शंकर सेंसा ने अपना पालतू इच्छाधारी छोड़ रखा था, पर बलावे मेरे सिपाही सलार के सामने कांट टिकने वाला था। तू जैसों के लिए नरक अपने साथ ले चलता नरक नाशक। मैं तुझे साधारण मनुष्य समझ रहा था, पर तू तो नाग शक्ति धारक है। नाग शक्ति धारक नहीं, नागों का सम्राट हूं मैं। सारे नाग मेरे अधीन है, और क्योंकि तू भी एक इच्छाधारी नाग है, इसलिए तू भी मेरा आदेश मानने का बाध्य है। ठाक तड़ा, सिर झुका अपने सम्राट के आगे इच्छाधारी, और चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। और मैं तेरा नहीं अपने मालिक के आदेश का गुलाम हूं, और मेरे मालिक का आदेश है जो भी इस लड़की के पास फटकने की कोशिश करे भी करे, उसकी आत्मा को उसके शरीर से मुक्त कर दूं। तो जैसे रेशमी नाग शक्ति दार्क में भी वह संतानी की मांत्रिक नाग जाति के राजकुमार विश्वरे को परास्त कर सके। हटा, मैं नाग रत्न धारक नर्क नाशक तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाने का आदेश देता हूं। नाग रत्न, यह नाग रत्न तुम्हारे पास कैसे आया? जैसे हम इसके पास आए वैसे ही। तीर्थसर्पी, तुम इस मानव नाग के शरीर में वास कर रही हो। देव काल जी ने इसे तक्षक चुना है। तुम लोगों ने तो कहा था कि नाग रत्न मेरे पास है, तो हर इच्छाधारी मेरे हुक्म का गुलाम है, फिर एक कम वक्त मेरे आगे सिर क्यों नहीं झुका रहा? यह पहले से किसी दिव्य नाग शक्ति के आदेश से बंधा हुआ है। इस पर नाग रत्न का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक यह उस शक्ति के आदेश से मुक्त नहीं हो जाता। उस शक्ति से नहीं, इस दुनिया से ही मुक्त कर देगा नर्क नाशक इसे। धड़ाक, तुम तीनों नीतों को कैद करो, मैं इस इच्छाधारी से निपटता हूं। जो आ गया तक्षक, नहीं चाहूं तो पल भर में तुम्हें अपने विष से मोम की तरह पिघला दूं, पर नहीं, मैं तेरा उदाहरण बनाना चाहता हूं तेरे आका के लिए कि धौड़। अगर उसने मेरे पिता के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो धम, उसका अंजाम भी यही होगा। क्या हो गया तुम्हें नर्क नाशक? होश में आओ, मेरी आंखों में देखो, मेरी बात सुनो। होश में मैं आ चुका हूं लड़की, और तुम्हारे आंसू, तुम्हारी कोई भी बात मेरे इरादों पर भावनाओं के झूठे पर्दे नहीं डाल सकती। नीति की कोई भी बात, कोई भी दलील उसके इरादों को नहीं बदल सकती थी। मेरा बेटा, मेरा ब्रह्मास्त्र सिर्फ मेरे आदेशों पर काम कर रहा था। उसका एक ही भगवान था, उसका पिता। दूसरी ओर शंकर सेंसा का मुलाजिम भी उसका आदेश पूरा करके लौटा था। आपके आदेश के मुताबिक मैं उस नाग मंदिर से आपका कासमान ले आया स्वामी। बहुत अच्छे बुलडॉग, अभी यह सामान हम दोनों के ही सबसे बड़े शत्रु नागमणि का बोलबम करेगा। पर एक बात समझ नहीं आई, यह वस्तु लाने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? उसके दो कारण है बुलडॉग। पहला यह कि यदि मैं दोबारा उस स्थान पर जाने की कोशिश करता तो अपनी शक्तियों से हाथ धो बैठता। दोबारा यानी आप पहले भी उस स्थान पर जा चुके हैं, तुम कह सकते हो कि मैंने अपनी सारी शक्तियां वहीं से अर्जित की हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण, हाँ वह अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे अपने पालतू कुत्ते के रूप में ऐसा गुलाम चाहिए था जो कि तक्षक का सामना करके भी जीवित बच गया हो। तेरी वाहियात जिंदगी हमने यूं ही नहीं बचाई थी। तक्षक, गुलाम, कुत्ता, यह सब क्या बकवास है? मेरी जिंदगी बचाकर तूने जो उपकार किया था उसका बदला मैं तेरा काम करके चुका दिया। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं, पर हमारी मंजिल एक है बुलडॉग, नर्क नाशक। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा वफादार कुत्ता बनकर उसी राह पर चलना होगा बुलडॉग, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उफ, यह क्या बुला है, यह समो नाक संभाला बुलडॉग। बुलडॉग, नागों की राधा नाग देवी की आंखों की सम्मोहन शक्ति बसी है इस माला में। इसे दान करने वाला संसार में इच्छाधारी को छोड़कर जिसे भी चाहे अपने सम्मोहन में बांध सकता है, जैसे मैंने तुझे बांधा है। कि क्या हुक्म है गुलाम के लिए स्वामी?
यह रहा तुम्हारा आदेश। नागमणि ने नर नाशक की नीलामी के लिए ये इनविटेशन कार्ड पूरे अपराध जगत में हर छोटे बड़े अपराधी को भेजे हैं, तुझे और मुझे छोड़कर। नागमणि नर नाशक की नीलामी कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब नहीं हुआ, जोर से ज्यादा चल रहा है। यह नीलामी नर नाशक को खरीदने की नहीं, बल्कि उसे एक हफ्ते के लिए किराए पर लेने की है। यानी नर नाशक को किराए पर लेने वाला उससे काम चाहे कुछ भी करा ले, लेकिन उसका असल मालिक नागमणि ही रहेगा। यानी नर्क नाशक को किराए पर लेने वाला इस खुशफहमी में रहेगा कि वह एक अवैध ब्रह्मास्त्र का मालिक बन गया है एक हफ्ते के लिए, और दूसरी तरफ नागमणि नर्क नाशक के जरिए उसके सारे भेद जानकर उसे भीतर से खोखला कर देगा। जरा सोच, एक एक हफ्ता करके अगर पूरे अपराध जगत ने नर्क नाशक को किराए पर लिया, तो कुछ ही महीनों में अपराध जगत के सारे भेद नागमणि के पास होंगे, और फिर उन सभी किराएदारों पर अपने ब्रह्मास्त्र का वार करके खुद विश्व अपराध जगत का बेताज बादशाह बन जाएगा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाकई क्या कुटिल योजना बनाई है कोटिले नागमणि ने। अब हम क्या करेंगे? हम उसके ब्रह्मास्त्र को किराए पर लेंगे। जा जाकर नीलामी के लिए पैसों की व्यवस्था करो। जो आज्ञा स्वामी। तुझे अंदेशा नहीं है कि नागमणि की, जिसे तू अपना हथियार बनाए बैठा है, उसके उस सच्चे में वाकिफ हूं जो तुझे भी नहीं पता। नागदेव के मस्तक से उठाई गई मणि ने मेरा जीवन बदल दिया है। ऐसी करिश्माई शक्ति, ऐसे राज उस मणि ने मेरे सामने उजागर किए हैं, जो यदि संकट शहंशाह के हाथ में आ गए, तो संकट शहंशाह इस संसार की सबसे बड़ी अविजय शक्ति बनेगा। लेकिन मणि ने मुझे इच्छाधारियों के सारे भेद नहीं बताए हैं, बहुत सवाल बाकी हैं भी, इच्छाधारियों से जुड़े हुए भी और नर्क नाशक से जुड़े हुए भी। अब समय आ रहा, अब इन सवालों से के सभी रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। सब कुछ ठीक से समझ गया ना मेरे बच्चे? निश्चिंत रहे पापा, जैसा आपने आदेश दिया वैसा ही होगा। शंकर सहसा अपनी बिछात बिछा रहा था और मैं अपनी। अभी यह तो आने वाला समय बताने वाला था, जिस ब्रह्मास्त्र को मैं मोरा बनाकर चाल चलने वाला था, वह किसे से और मात देगा, और फिर विश्व अपराध जगत के इतिहास में आया वह अभूतपूर्व दिन जब मैंने अपना वेद ब्रह्मास्त्र नीलामी के लिए उतारा। नर्क नाशक किसी इंट्रोडक्शन या डेमोस्ट्रेशन का मोहताज नहीं है मित्रों। आप सभी जानते हैं मेरा यह अभेद हथियार जब जब चला, इसने बड़े से बड़े दुश्मन का सर्वनाश किया है। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई शय नहीं जो नर्क नाशक के सामने टिक सके, और अब यह अभेद ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपका पूरे एक हफ्ते के लिए। जी हाँ दोस्तों, पूरे 7 दिन। चाहे इसे वर्ल्ड बैंक में डकैती डलवा लो या किसी देश की सरकार गिरवा लो, एक हफ्ते तक ये आपके आदेश का गुलाम रहेगा। नीलामी की बोली 1 करोड़ डॉलर से शुरू होगी। वल्लाह, ऐसा मौका शैतान बार बार नहीं देती। हमारी बोली 2 करोड़ डॉलर होती। 3 करोड़ डॉलर, 5 करोड़ डॉलर, 700 करोड़ डॉलर, हर एक दिन के लिए 100 करोड़। कौन है आप मोहतरमा? द ग्रेट सिल्विया हुड, ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी, जिसने अपने ही बाप को मारकर उसके अपराधी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। मेरे डैड की इतनी याद आ रही है तो तुम्हें भी उनके पास पहुंचा देती हूँ। जिंग जिंग, याद रखना, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा निशानेबाज कहा जाता था, उसका निशाना कभी नहीं चूका। वह हुड मेरा निशाना बना था। उफ, अगली गोली का निशाना 4 इंच नीचे होगा। सॉरी ग्रेट वुड, क्या आप में से कोई 700 करोड़ से ऊपर बोली लगाना चाहता है? पता नहीं है सिल्विया की वहां धमाकेदार एंट्री का रुआब था या फिर उसी लगाई इतनी ऊंची बोली का जलाल। किसी ने भी आगे बोली ना लगाई, मैं भी खुश था। खास दिन में 7 दिन में 700 करोड़, किस बाप का कलेजा चौड़ा नहीं होगा भला। मिस सिल्विया ग्रैंड मास्टर हुड की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नर्क नाशक के प्रयोग का अधिकार दिया जाता है। अपनी गौरवशाली संपत्ति के साथ सिल्विया वहां से कूच कर गई। तुम्हारा बहुत नाम सुना नर्क नाशक, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी लगाई हुई बोली बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग है। निश्चिंत रहो,
जो भी तुम चाहते हो नर्क नाशक उसे हर हाल में पूरा करेगा। इस बार हम आपकी कथा को अल्प विराम देना चाहेंगे श्रीमान नागमणि। कुछ विशिष्ट मेहमानों के आगमन की सूचना मिली है। संपूर्ण अपराध जगत जोरदार तालियों से स्वागत करे हमारे विशिष्ट मेहमानों का। जादू की दुनिया के शहंशाह बुलगार, मनमोहनी महाविनाशिनी मिस्क्योर, अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह थोडंगा, अरब के तूफान अजगर, जापान के रहनुमा तूफान और जू, और अपराध जगत के सबसे बड़े सिंडिकेट के बादशाह किंग कोबरा। आप सभी के लिए खाने पीने और मनोरंजन का भरपूर इंतजाम किया गया है। आप सब इस मध्यांतर का लुत्फ उठाए। इसके उपरांत प्रोफेसर नागमणि अपनी कथा का शेष भाग प्रस्तुत करेंगे। नाच गाना और खाना, वाह, यह पापा अध्यक्ष कुछ ज्यादा ही रहस्यमय शख्सियत लग रहा है। आखिर यह है कौन और दुनिया भर के माध्य गजों को इकट्ठा क्यों कर रहा है, यह तो समय ही बताएगा। पर यह मेहमान के तौर पर पेश होने के लिए भी जो अरबों डॉलर्स प्रतिदिन के मिल रहे हैं वह काबिले तारीफ है। इसके पास कोई कोई खजाना है क्या? पापा अध्यक्ष को लगता है कि मैं नागराज को मारने में कामयाब नहीं होऊंगा, वरना इन सबको यहाँ बुलाने का और क्या उद्देश्य हो सकता है। नागमणि व अन्य अपराधियों को लगता है कि मैंने उन्हें आज सिर्फ नागराज की मौत की खातिर बुलाया है। मूर्ख हैं सभी, अभी तो आगंतुकों की फेरिस्त लंबी होने वाली है। स्वागत है पिरामिडों की रानी आंखें समान, पाप और अंधेरी दुनिया के खुदा एनुबिस की को आंखें सामन का इस्तकबाल। हम तुम्हें अपनी अपराध परिषद में अवश्य आमंत्रित करते, परंतु तुम जानते हो हमने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है। वजह जो कि मेरे जीवन का मकसद है, मेरे सरताज जादू शहंशाह तंत्र रक्षक तूतेन खामेन का पुनर्जीवन। पर तूतेन खामेन तो सूर्य की देवता रा की बेटी बस्तेत को अपनी अर्धांगनी बनाने का ख्वाहिशमंद था, फिर तुम उसकी अर्धांगनी कैसे हुई? आपकी नजरों से तो कुछ भी नहीं छुपता, मन के विचार भी नहीं, सिर्फ वही विचार जिनमें पाप हो। मैं अंधेरी दुनिया और पाप का खुदा हूं, उन बातों पर मेरा कोई अख्तियार नहीं जो पाप की परिधि में नहीं आते, जैसे कि सद्भावनाएं और प्रेम। मेरे उद्देश्य पूर्ति तो सिर्फ इसी बात से होती है कि तुम नागराज के हाथों पुनः मृत्यु निंद्रा में लीन हो चुके तूतन खामेन को जगा सकती हो, परंतु संसार की सभी मृत आत्माएं तो आपके आपके ही वश में है, फिर भला आपको तूतन को जगाने के लिए मेरी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पाप का देवता भी नियमों से बंधा हुआ है, मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। बातें बहुत होगी पिरामिडों की रानी, अब समय कार्य को अंजाम देने का और हमारे पुण्य अपराध परिषद में लौटने का। हुक्म की तामील होगी अंधेरी दुनिया के खुदा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा महात्मन। रामायण में जब श्री वीर हनुमान अपनी शक्तियों को भूल बैठे तब जामद ने उन्हें उनके असल अस्तित्व का स्मरण कराया। ठीक इसी प्रकार तुम अपने अस्तित्व को भूले बैठे हो। भूला बैठा मैं तो अपने अस्तित्व से पूर्णतः निर्भीक महात्मन। मेरे अस्तित्व से जुड़े सवाल ही मेरे सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। कौन हूं मैं? क्या है मेरा अस्तित्व? क्या मैं एक नाग हूं या फिर मानव हूं? मैं खुद को ही नहीं जानता महात्मन, तो फिर खुद को भूलने का प्रश्न ही कैसे उठता है? नागमणि आइसलैंड नाव। यह शरीर नश्वर है वत्स, किंतु आत्मा अजर और अमर है। जब वीर पुरुषों की आत्मा उनके पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है तो उनके पूर्व जन्म की सामर्थ्या लोप हो जाती है। तुम भी अपने अस्तित्व अपने उद्देश्य को भूल गए हो नागराज। क्या आप जानते हैं मेरे अस्तित्व के बारे में? अपने अस्तित्व की तलाश तुम्हें स्वयं करनी होगी नागराज। हम सिर्फ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तुम्हारे इस अस्तित्व अन्वेषण का आरंभ इस शिवलिंग के साथ करके। संसार में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा जहां यह शिवलिंग स्थापित हो सकता है, तलाशो उसे। अगर उस स्थान तक उस मंदिर तक पहुंच गए तो अपने अस्तित्व तक भी पहुंच जाओगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तुम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो वत्स। ठहरिए महात्मन, मुझे ऐसे अथाह प्रश्नों के मझधार में छोड़कर मत जाइए। इस मझधार से तुम्हें निकालने के लिए हम तुम्हें सारथी भी सौंप रहे हैं नागराज, हमारी सहायिका नाग तंत्रिका नगीना। चिंतित मत हो नागराज, तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंचने के लिए तुम जितने बेताब हो मैं भी उतनी उत्सुक हूं। अपने इस अस्तित्व अन्वेषण का आरंभ कहां से करना चाहोगे?
कठिन प्रश्न है नगीना। सबसे पहले तो हमें संसार भर के शिव मंदिरों का पता लगाना होगा, फिर कहीं जाके यह निर्णय लेंगे कि यह अन्वेषण कहाँ से आरंभ किया जाए। विद्या नागराज, तुम्हारे इस अन्वेषण पर संपूर्ण नागलोक का अस्तित्व टिका हुआ है। उम्मीद है तुम वह गलती दोबारा नहीं करोगे जो पहले की जा चुकी है, जिस न्याय इच्छाधारी नागों के अस्तित्व चक्र को पलट कर रख दिया। प्रेति दादा, चरस भाई और उसकी चरसी टोली भी आ रही है राजनगर नाव थोड़ तोड़। बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पी लिया 18 पैग दारू भी तो पिया रे। इस यह किस नशेड़ी की मौत आई है जो बीच सड़क पर चरस बाई का रास्ता रोके खड़ा है। छनाक स्क्रीच, अब सिर्फ रोके कहाँ खड़ा है, अबे सिर्फ रोके कहाँ खड़ा है, या तो गाड़ियों के सामने दारू की बोतलें तोड़ रहा है। देख क्या रहो ना मुरादो, तुम्हारी बहन की मेहंदी चल रही है क्या? बिछा दो कम्बख्त को मंगते की झोली के माफिक, मारो धोए धोए जिंग। यह कम्बख्त नशेड़ी इस कदर नशे में झूम रखी है कि एक भी गोली से नहीं लग रही। इच अद्धा पुआ बहुत पिया बहुत, इच छुट्टा भी तो लिया बहुत, इच अब करूंगा तुम्हारे साथ गंदी बात, गंदी गंदी बात। जय हो प्रेती दादा की, गंदी बात कर करके शहर की सारी गंदगी साफ कर दी इसने। नशे के जिन सौदागरों पर पुलिस भी हाथ हाथ डालने में कांपती है, वो प्रेती दादा की मार से कांपते हैं। गट गट गट, नशा बहुत बुरी चीज है, इस देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर देती है। इसलिए प्रेती दादा ने यह बीड़ा उठा लिया है कि यंग जनरेशन तक नशा अपन पहुंचने ही नहीं देगा, सब खुद ही गटक जाएगा। हिच तुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाएगा चरस भाई, तेरा नाम तो बड़ा नशीला रे चरस भाई, और काम तेरा जहरीला है। इच पर तुझसे बड़े बड़े जहरीले इस दुनिया में मौजूद है चरस की पुड़िया। हिच उफ, ये कैसी जकड़ है तेरी, मेरा दम घुट रहा है, भगवान के लिए छोड़ मुझे। तेरी सारी चरस का सुट्टा प्रेती दादा छुड़क लेगा, भाग ले शहर से और जिंदगी में दोबारा टेलकम पाउडर भी मत देखियो, वरना आपकी जकड़ से तेरी लाश ही निकलेगी। हफ हफ, तुम इंसान का वेश में फरिश्ता माइसन, तुम नहीं होता तो शहर का नौजवान नशे से खोखला हो गया होता। अपन को फरिश्ता बोलकर क्यों गॉड को एंग्री करे लियो आंटी, अपन तो तुम सबके जैसा वुमेन ही ठीक है। हिच और रे अपना हीरो प्रेती दादा, रिंग रिंग रिंग, प्रेती दादा जिंदाबाद, प्रेती दादा जिंदाबाद। अरे वॉल्यूम लो करो बीडू लोग, अपन को कोई याद करे ला। हिच हेलो, ओ तुम, सारा नशा खलास कर दिया अपन, ठीक अपन फौरन पहुंच रहे लाए। समवेयर नियर इंडो पाक बॉर्डर नाउ, रास्ता छोड़ काफिर के औला, तू अकेला है और हम सो, तुझे इस बर्फ में इतना गहरा दफन करेंगे कि 100 साल बाद भी तेरा जीवाश्म नहीं मिलेंगे। वह नलके की टोटी और सूरों की फितरत होती है झुंड में चलने की, शेर तो अकेला ही आता है। इस पंजाबी पुत्र नाग सिंह के रोगों में दौड़ते लहू में वतन परस्ती का वो धधकता लावा दौड़ रहा है जो इस बर्फ को भी पिघला देगा और तुम्हारी आतंकवाद की चर्बी को भी। -15 डिग्री के तापमान में भी वर्दी खोलकर चीना ताने खड़ा ही है तो बॉर्डर के सनी देओल का भी बाप लगता है। मैं तो कहता हूं मूसा भाई वापस लाहौर का रास्ता पकड़ लेते हैं, लाहौर का रुख अब दिल्ली पर हरा झंडा लहराने के बाद ही करेंगे। यलगार जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। तुम्हारा नापाक बारूद हिंदुस्तानी वर्दी को गंदा न करे, इसलिए वर्दी उतारी है मैंने, और तुम खिड़की के कुंडों के लिए हिंदुस्तानी बारूद भी बर्बाद नहीं करेगा नाग सिंह, ये हाथी काफी है। धौड़ पौड़ फड़ाक, पहले खुजली वाले कुत्ते कान में पड़े पिसू, तेरे बाके जवान तो निपट लिए, हूं 10 तवाड़ा नाल की हो। मम्मू छोड़ दे मालिक, मैंने सुना है हिंदुस्तानी के दिल बहुत बड़े होते हैं। क्या बकरा है, खाली कढ़ाई के कड़छे, तेरे मुल्क वाले तो कहते कि हमारे दिल बहुत छोटे होते हैं, ला जरा तेरे शेर दिल का साइज देखूं। लानत, हमारे यहाँ तो चूहे के दिल इससे बड़े होते हैं। स्विस, वही यह हवा के साथ क्या उड़ा जा रहा है, कागज का बना जहाज, यह किसने यहाँ छोड़ा?
यह जांच मेरे लिए छोड़ा गया, यह तो संदेश है मेरे लिए। हरिद्वार नाव मनुष्य संसार को, यहाँ की प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी संपदा समझता है, परंतु सत्य तो यह कि मनुष्य स्वयं इस संसार की, इस प्रकृति की, इस सृष्टि की संपदा है, जिसे सींचने और संवारने के लिए प्रकृति ने अपनी बहुमूल्य द्रोण भौतिकता में द्वार लुटाई है। हमारा प्राचीन आयुर्वेद इसी द्रोण को संचित कर आप तक पहुंचाता है। देव बाबा फार्मेसी की आयुर्वेदिक औषधियाँ जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क अब उपलब्ध है। आप धन्य है देव बाबा, मुझ गरीब विधवा के पास अपने इकलौते बेटे का महंगा इलाज कराने के पैसे नहीं थे। यदि उसने आपकी निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि का सेवन सही समय पर ना शुरू किया होता तो मेरे जीने का सारा मुझसे छिन जाता। जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में देवी, हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारे सन्यासी बंधु हिमालय से अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां संग्रहित करके लौटे हैं देव बाबा। अति उत्तम, आप सभी अधिक से अधिक औषधि निर्माण की व्यवस्था करें ताकि केवल देश के नहीं संसार के जरूरतमंदों तक ये औषधियां पहुंचाई जा सके। और यह क्या है? ओ, अत्यंत आवश्यक कारणवश हम कुछ समय के लिए समाधि में जा रहे हैं। आश्रम का कार्यभार आप सब हमारी अनुपस्थिति में यथावत देखेंगे। मुंबई नाउ एक्शन, तुझसे कहा था लड़की को छोड़ दे, क्योंकि तो एक बार मेरी खोपड़ी सटक गई तो तुम्हारी आवाज सटक जाएगी। कट एक्सीलेंट शॉट अरमान खान, सुपरस्टार अरमान खान का तो हर शॉट ही एक्सीलेंट होता है डायरेक्टर साहब। जब तक तुम अगले शॉट की तैयारी करोगे मैं अपनी वैनिटी में वर्कआउट करता हूँ। एक्शन शॉट है, मसल्स परफेक्ट दिखने चाहिए। रास्ता छोड़ बिड़ू, वरना अपुन ने शूटिंग स्टार्ट कर दी तो अब अपुन की जगह बारूद घुसेगा तेरी खोपड़ी में। क्या, अरे कहाँ घुसे आ रहे हो तुम लोग शूटिंग पे? क्या रे डायरेक्टर, तूने भाई को हफ्ता भेजने से मना काहे को किया है? तेरे को जान पैरी नहीं है क्या? जान तो सबको पैरी होती है भाई, तुम्हारे भाई को भी होगी, तुम्हें भी होगी। धौड़ जिंग जिंग धोए धोए, यह फिल्म नहीं है चिकने हीरो, जो तू हमसे और इन आग उगलती गन से अकेले जीत पाएगा। तुम्हारी लूटी हुई इज्जत तुम्हें बता देगी कि मैं सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही हीरो नहीं हूं। अबे भाई ये क्या कर डाला, वाओ क्या निशाना है! अब सराफत से पतलून पकड़े पकड़े बेहोश होना, फड़ौक। मेरी एक्सरसाइज तो होगी डायरेक्टर, शॉट की तैयारी करो। आपने तो कमाल कर दिया अरमान, आप वाकई रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ के भी सुपर स्टार है। अरमान सर आपके लिए अर्जेंट कॉल है। रिंग रिंग। और ठीक है मैं आता हूँ। डायरेक्टर साहब, शूटिंग और मेरी मेरी अगले 1 महीने की डेट्स कैंसिल। इंटरनेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट दिल्ली नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेक्लर, जिन्होंने इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलिंग में आज तक एक भी मैच नहीं हारा, या इंडिया में किलर ओपन चैलेंज के साथ आए हैं। अगर कोई माइका लाल उन्हें हरा देगा तो उसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के टाइटल के साथ मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। लेकिन याद रहे, हारने वाले के जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है कोई ऐसा सूरवीर? हा, कोवर्ड कंट्री है इंडिया, कोई इतना बड़े वाट नहीं जो किलर का मुकाबला कर सके। कहा गुरु, बहुत बोकाल जाप रहे थे, लो आ गए हम मैदान में। देखे तुम्हारे विदेशी प्रोटीन पाउडर में ढेर जोर है कि हमारे शुद्ध देसी घी में। हा, यह गवार भैया लड़ेगा किलर से। अबे गांव लौटे गाय बेचारा, यह रेसलिंग तेरे बस का रोग नहीं है। पहले आपको यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें लिखा कि अगर इस फाइट के दौरान आपकी मौत हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। वो सब तो ठीक है मुन्ना, पर इसमें ई कहाँ लिखा है कि अगर यह विलायती सफेद बैल हमारे हाथों बैकुंठ धाम पहुंच गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हा, तुम्हारे हाथों और किलर मरेगा। टन टन, बहुत बकवास करता तुम डर्टी ब्लैक इंडियन। इस देश का डर्ट यानी धूल भी जो सर माथे पर लगा ले उसका जीवन धन्य हो जाता है बबुआ। और अब तो सवाल देश की इज्जत का है। धड़ौक,
लानत है सर पीरा पर, अगर तुम एक बार खाकर दोबारा खड़े भी हो गए तो। और विजेता वह नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है पहलवान सरफिरा। मिस्टर सरफिरा क्या करेंगे आप इन 10 करोड़ रुपयों का? यह पैसा अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए है मैडम। इतनी सी बात तो एक बार पहलवान भी समझता है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, हम उनका आज मजबूत करेंगे तभी तो देश का आने वाला कल मजबूत बनेगा। रिंग रिंग। हेलो, इतनी और एक्टिंग की जरूरत नहीं है, फौरन मेरे पास पहुंचो, बाकी चेयर भी आ रहे हैं। बीसी टावर नाउ। ससुरा ऑफिस बहुत ही चौचक है गुरु, हिच यहाँ तो जरूर विलायती पीने को मिलेगी बाप, हिच चुप कर चर्ची वरना 64 दांत तोड़ देने हैं मैंने। इसके मुंह में केवल 32 ही दांत है बच्च। ओए मुझे पता था जूते के फीते कि तू बीच में अपनी लंबी दाढ़ी जरूर घुसाएगा, इसलिए मैंने तेरे भी 32 साथी गिन लिए थे। इंसानों की तरह पेश आओ तुम भी, तुम लो क्लास मैंगो पीपल। इंसानों की तरह पेश आओ तुम लो क्लास मैंगो पीपल। ससुरा भी तुम्हारे क्लास को ग्लास में भरकर पीपल के पेड़ पर टांगते हैं हम। दूर हट पहलवान, तेरे शरीर से देसी घी की बदबू आ रही है। हम तुम्हें ऐसा बूटी चूर्ण देंगे जो कि तुम्हारे दिमाग की गर्मी को ठंडा करेगा। अबे मैं तेरी दाढ़ी नाल बूटी कूट देवांगा, बंद कर रहे तमाशा। तुम्हें या मैंने ये तमाशा करने के लिए नहीं बुलाया, अपने आप से झगड़े बंद करो, तुम्हारी शक्तियों को एकजुट करने का समय आ गया है। मैडम भारती टू बी कंटिन्यू इन नर्क आहुति। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मैंने अब तक जितनी भी कॉमिक्स पढ़ी है ये इनमें सबसे लंबी कॉमिक्स है, जिसका टाइम करीब हो गया है 1 घंटा 31 मिनट, जबकि मैंने आज तक कोई भी कॉमिक्स इतनी बड़ी नहीं पढ़ी है। तो मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट नरक आहुति में। ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, नरक नासिक नागराज के फोल्डर में, ठीक 2 बजे।